दिल्ली के कंझावला कांड को लेकर एक और गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की है। अंजलि केस में छठा आरोपी आशुतोष, वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आशुतोष वही शख्स जिसकी कार लेकर ये आरोपी गए थे, और पुलिस का ये कहना है कि आशुतोष ने भी जानकारी छिपाई अपराध की पुलिस से। इस आधार पर वो भी आरोपी बनाया गया है, क्योंकि उसको भी मालूम था कि इस गाड़ी में किस तरीके से एक लड़की को कुचला गया है। तो अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो गए। सातवां आरोपी जो है, जो आरोपी अमित का भाई बताया जा रहा है, उसकी तलाश अभी जारी। हम सीधे रुख करते हैं, वरुण जैन मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, एक तरफ पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये कि सीधे सीधे हत्या का मामला, और वो भी कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ये, जिस तरीके से इस अपराध को अंजाम दिया गया है, लेकिन पुलिस टस से मस होने को तैयार नहीं 302 को लेकर, क्यों? देखिए, बिल्कुल शुरुआत से ही पुलिस इस मामले में रिजिड नजर आ रही है। पुलिस ने शुरुआत में जिस तरीके से जांच के अंदर ढिलाई बरती, उससे ही कहीं ना कहीं पुलिस का जो रवैया है वो इस पूरे मामले में नजर आ रहा था। रुमाना, एक दो चीजें जरूर यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई दूसरे मामले देखेंगे, रॉबरी का कोई मामला हो या फिर किडनैपिंग फॉर रैंसम का मामला हो, कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर कोई विरोध करता है तो जो रॉबर्स है वो उसको गोली मार देते हैं। पहले उनका मोटिव नहीं था, लेकिन बाद में हत्या हुई, तो मोटिव कहीं ना कहीं ऑन द स्पॉट भी सामने आता है। किडनैपिंग फॉर रैंसम के मामले में भी मैंने कई बार देखा है कि जो किडनैपर्स थे उन्होंने उस बच्चे को कि बाद में हत्या कर दी, क्योंकि बच्चे ने आरोपियों को देख लिया था, उनके मन के अंदर एक डर था कि अगर ये हमें पहचान जाएगा तो बाद में हम गिरफ्तार हो सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ उस तरीके की परिस्थितियां इस मामले में भी नजर आती हैं। आरोपी जानते थे कि उनसे हादसा हो गया है, अब पुलिस के पास मामला जाएगा और वो गिरफ्तार हो जाएंगे, इसलिए अगर इस केस को ब्लाइंड बनाना है तो फिर पीड़िता को यानी कि अंजलि को खत्म कर दिया जाए, और वो ये बात जानते थे कि वो गाड़ी के नीचे फंसी हुई है, बावजूद उसके वो उसको घसीटते चले गए। मोटिव उनका स्पॉट पर साफ था कि वो उसको मारना चाहते हैं ताकि जो हादसा है ये ब्लाइंड हो जाए, बावजूद उसके पुलिस इस मामले में रिजिड बनी हुई है, उनको मोटिव नजर नहीं आ रहा, जबकि मोटिव कोई थ्योरी जो है इस पूरे मामले में वो हलक के नीचे नहीं उतर रही है। बिल्कुल इसी तरीके से पुलिस वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल आधार बताकर गई ना कि क्योंकि कोई मोटिव नहीं मिल रहा है इसलिए हत्या का केस नहीं हो सकता है, ये भी किसी के हलक के नीचे से नहीं उतर रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।